और बाहर से गाड़ी की कंडीशन में आप लोग बता दूं कि बाहर से गाड़ी ये शावर्ड है, ये हुंडा सिटी और बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। बाहर से गाड़ी की कंडीशन में आप लोगों को बता दूं कि 2019 के एंड की है, बाकी नंबर भी 2019 का ही लगा हुआ है, वाइट कलर में। एक नहीं ये है ऑटो ट्रांसमिशन तो है VXR और ये AC वाली है, एक VX आती है जो नॉन AC वाली होती है, ये AC वाली है VXR। और गाड़ी माशाल्लाह से टोटल आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी, गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में हमें मिली है। टोयोटा पासो है 2012 की, 2007 का मॉडल है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी है सुजुकी एल्टो, मॉडल 2012 का है, गाड़ी टोटल आप लोगों को जेन्युइन जी। ये मिनी पिजेरो है और बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी ये मौजूद है, और मिनी पिजेरो की जितने भाई रिक्वेस्ट करते हैं मिनी पिजेरो भाई आ चुकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों की, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है 9 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है 3:40, तो मैं मौजूद हूँ संडे कार मार्केट में। तो संडे कार मार्केट की सूरत हाल कुछ ऐसी है भाई, तो यहाँ की जो एंट्री फीस का काफ़ी दोस्त हम लोगों से पूछ रहे थे, तो एंट्री फीस है यहाँ की 300 रुपये। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें, और एक हमारा फेसबुक पेज है तो उसको भी लाइक करें, फॉलो करें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आप लोगों का, चलिए शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमें गाड़ी ये मिली है 82 का मॉडल है, और बाहर से गाड़ी की कंडीशन में आप लोग बता दूं कि बाहर से गाड़ी ये शावर्ड है, लेकिन अंदर से पूरी गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी। तो जितने भी ओल्ड मॉडल की रिक्वेस्ट करते जी, कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में मिक्स मॉडल एड कर दिया करूँ, जिसमें ओल्ड भी हों न्यू मॉडल भी हों। तो सबसे पहले बढ़ते हैं टायर्स की तरफ, टायर्स की बात करें तो लहरम लगे हुए तकरीबन कह सकते हैं यार 40% के आसपास, टायर्स की कंडीशन भी गुड है। थोड़ा सा लाइट्स की तरफ नज़र लगाते हैं जी, लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी हमें साफ़ हालत में देखने को मिल रही है, ग्रिल साइड से बिल्कुल देखते हैं साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है, लेकिन टूटी वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत मट्टी वगैरह पड़ी हुई येलो कलर में। गाड़ी की बॉडी वाइज आप लोग कोई भी काम नहीं देखने को मिलेगा, बाकी इंजन वगैरह के बारे में डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में वो भी एंड में पूछ लेंगे ओनर से। बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह है, वो अब एंड में ले लेता हूँ। तो गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी, कोई बॉडी वाइज वगैरह आप लोग काम नहीं देखने को मिलेगा, बाकी इंटीरियर की कंडीशन में आप लोग दिखा देता हूँ, इंटीरियर भी इस गाड़ी का बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, खोल दीजिएगा। तो दरवाज़ों से गाड़ी है कुछ इस तरह से जी, बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। थोड़ा सा इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर हमें साफ़ सुथरी ओरिजिनल हालत में देखने को मिल रहा है, बाकी सीटों पे नॉर्मल कवर वगैरह इंस्टॉल हैं। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा डिगी की तरफ, उन्होंने डिगी वगैरह भी खोल दी इस गाड़ी की, तो डिगी से गाड़ी कुछ इस तरह से है। CNG वगैरह भी, LPG है, LPG भी है गाड़ी, CNG पे भी कर सकते हो, CNG भी हो सकती है गाड़ी, ठीक है। तो इंजन रूम खोल लीजिएगा, बाकी इंजन रूम मैं इस गाड़ी का दिखा देता हूँ आप लोग, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह क्या गाड़ी की वो भी आप भाई उनके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, तो इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से, अपने इंजन में जी कितने CC इंजन है इसके अंदर? 1200 इंजन है जी, और ये अपने इंजन में 1 किलो में ये 17 किलोमीटर चलती है। अच्छा जी, तो 1 लीटर में LPG की जो माइलेज है 17 किलोमीटर पर किलो के हिसाब से, बाकी ठीक है प्राइस वगैरह पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये इसकी प्राइस क्या है और ये कौन सा मॉडल है? ये 82 का मॉडल है और इसका जो ठीक है निसान है, निसान 82 का मॉडल है, ठीक है निसान है ये 82 का मॉडल है। और डिमांड क्या कर रहे हैं? सॉरी, इसके 250 डिमांड कर रहे हैं, इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल ही है? हो जाएगी, जब किसी को चाहिए तो हो जाएगी, कमी पेशी हो जाएगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट हैं, CPLC क्लियर है इसका, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है इसकी। कितने मालिक पे ये गाड़ी? ये एक ही बंदे के नाम पे, फर्स्ट ओनर पे गाड़ी है, ठीक है। अपना नंबर बता दीजिएगा, 0333 0333। चाचा का नंबर दे दें, जिसके पास गाड़ी मौजूद है उसका दे दें, 0318 0318 2282 2282 300 300। क्या नाम है? सनाउल्ला। कहाँ की लोकेशन है सनाउल्ला? ये नाजमाबाद नंबर 2, नाजमाबाद नंबर 2 की लोकेशन है, ठीक है शुक्रिया। अच्छा ये तो ये है नाजमाबाद का लोकेशन है, 82 का मॉडल है। और 1200 CC इंजन है इस गाड़ी के अंदर, चेक कर सकते हैं, गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, ओनर का नंबर डिटेल के साथ आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बहुत शुक्रिया। 8 बजे तकरीबन। अच्छा जी, तो ये गाड़ी हम लोगों ने कवर कर ली, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ, अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं और आज अच्छा खासा रश बनने वाला है,
क्योंकि बीच में संडे में कोई गाड़ियाँ नहीं आई थी, तो इस संडे तो धड़ाधड़ गाड़ियाँ आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी है हुंडा सिटी और बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। बाहर से गाड़ी की कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहर से गाड़ी है शावर्ड है 2000, ये 5 मॉडल है हुंडा सिटी। तो जितने भाई भी हुंडा सिटी की रिक्वेस्ट करते हैं, हुंडा सिटी हम लोग एड कर रहे हैं। अगर किसी भाई को समझ में आ रही तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। एंड में आप लोगों को ओनर के नंबर के साथ डिटेल वगैरह गाड़ी की मिल जाएगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें 60% तक गुड हैं और नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर 40 गाड़ी के अंदर। लाइट्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स हमें साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है, कोई क्रैक डैमेज वगैरह नहीं है। तो सामने से आप लोग फ्रंट की साइड भी देखते हैं, बोनट साइड बिल्कुल साफ सुथरी इस गाड़ी की। और विंड स्क्रीन भी एक भाई ने कहा था यार ये कवर कर दिया करें कि क्रैक होती है कि नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी है। अगर क्रैक होगी तो मैं वो भी अपनी वीडियो में जो है ऐड कर दिया करूँगा। तो हुंडा सिटी है 2000, ये 5 का मॉडल है और गाड़ी में कोई स्क्रेचेस नहीं है, कोई बॉडी वाइज आप लोग काम देखने को नहीं मिलेगा। रस्ट वगैरह नहीं है, जंग वगैरह नहीं है, कहीं से स्क्रेचेस नहीं है, लगी भी नहीं है। अगर कहीं से मुझे बिलफर्ज नज़र आता है तो आप भाइयों को ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो ये जो बैक साइड का जो बम्पर है उसमें जो है थोड़ा बहुत टचअप है, बैक साइड से जो है आप भाइयों को कैमरा वगैरह देखने को मिल जाएगा। लाइट्स वगैरह बैक साइड की जो बिल्कुल साफ़ है। 2005 का मॉडल है हुंडा सिटी। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की तरफ आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है इंटीरियर से। तो इंटीरियर की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा दरवाज़ों की तरफ नज़र लगाते हैं। दरवाजे बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं, लेदर कवर वगैरह सीट पे इंस्टॉल हैं। अच्छा जी, पावर स्टेयरिंग है जी, पावर विंडो है, पावर मिरर है, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी, LCD पैनल वगैरह इंस्टॉल है और बैक कैमरा भी इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा इंजन रूम की तरफ, देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलके प्राइस वगैरह क्या गाड़ी की वो भी आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, इंजन रूम से गाड़ी है कुछ इस तरह से 1.3 और इंजन रूम थोड़ा सा सर्विस नहीं किया हुआ लेकिन साफ सुथरी कंडीशन में वैसे। अच्छी जी, बोनट की सीलों की बात करें तो ओरिजिनल हालत में मौजूद है। अंदर की साइड बोनट की वो भी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, सिर्फ बाहर से गाड़ी शावर्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन सा मॉडल है सर ये? सर 2005 अपने इंजन में सर ये? नहीं, इंजन चेंज है। बुक पे अपडेट है? बुक पे अपडेट नहीं है। रसीद वगैरह है जहाँ से परचेस किया आपने? टैक्स वगैरह सब क्लियर है इसका? टैक्स क्लियर। डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है सर? डॉक्यूमेंट CPLC वगैरह सब क्लियर है। अच्छा, नंबर प्लेट दो जेन्युइन मिलेंगे सर? जी जी, जेन्युइन है। ठीक है, कितने ओनर पे सर ये गाड़ी? सर ये 3rd या 4th होगी। 4th ओनर होगी। क्या एवरेज है सर इसकी प्लेट के हिसाब से? अगर आप लॉन्ग वे पे या तो फिर लॉन्ग वे 17-18 दे देते हैं। शहर में सिटी शहर में 1500 देती है। ठीक है, डिमांड क्या रख रहे हैं सर इसकी? डिमांड मैंने 12.5 रखी है, लेकिन कोई आएगा तो कम कर। अच्छा, ऑफर वगैरह चल सकती है, मतलब 12.5 आपने डिमांड रखी हुई है। ठीक है सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिए जो आपके इस्तेमाल में होता हो। 0330-2817-224। क्या नाम है सर? तलहा। कहाँ की लोकेशन तला भाई? सर गुलशन एक बार ब्लॉक 2। ठीक है तला भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये गाड़ी है तला भाई के पास, 2005 का मॉडल है हुंडा सिटी, मैनुअल ट्रांसमिशन में। इंजन इस गाड़ी का चेंज है, लेकिन आप लोगों को रसीद मिल जाएगी जब आप अपने नाम पे करवाएंगे तो आसानी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी गाड़ी, और उसके बाद जो इंजन भी आपका जो बुक पे अपडेट हो जाएगा। तो 2005 का मॉडल है, बाहर से गाड़ी जो शावर है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। तला भाई, कोई सस्पेंशन या इंजन वाइज कोई काम वगैरह तो नहीं इस गाड़ी में? ठीक है तला भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये XLi है 2019 के एंड की है, बाकी नंबर भी 2019 का ही लगा हुआ है, वाइट कलर में। एक नहीं, ये है ऑटो ट्रांसमिशन 1.3 के इंजन में। XLi है ऑटो ट्रांसमिशन 1.3 के इंजन में, 2019 का मॉडल है जी। गाड़ी की कंडीशन मैं आप लोगों को बाहर से बता दूँ जी। बाहर से जो गाड़ी है, ये वाला पीस टचअप है दरवाज़ा, और इसके अलावा ये फाइंडर टचअप है। इसके अलावा टोटल गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन ही कंडीशन में देखने को मिलेंगी। बाकी टायर्स की बात करें तो आपको तकरीबन ये कह सकते हैं कि 60-70% टायर गुड मिल सकते हैं, नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इंस्टॉल इस गाड़ी के अंदर। और लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी हमें साफ़ सुथरी हालत में देखने को मिल रही है इस गाड़ी की। ग्रिल साइड भी बिल्कुल साफ है गाड़ी, बाकी आप लोगों को फ्रंट से स्क्रीन साइड भी दिखाया था जी, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। और नो डाउट गाड़ी की माशाल्लाह कंडीशन है, 2019 का मॉडल है। बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से जी, GLI का मोनोग्राम लगा हुआ है, लेकिन है ये XLi, कन्वर्टेड टू GLi है, ऑटो ट्रांसमिशन में 1.3 के इंजन में। और थोड़ा सा बैक साइड की लाइट्स वगैरह भी है, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा करीब करके कवर कर देता हूँ।
और बाकी बैक कैमरा भी वगैरह इंस्टॉल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। नीचे से ऐसे नज़र नहीं आ रहा था, मैंने यूँ कैमरा किया तो नज़र आ गया मुझे। बाकी नो डाउट गाड़ी माशाल्लाह से ज़बरदस्त कंडीशन में है, 2019 का मॉडल है। बाकी बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर से सबसे पहले हम थोड़ा सा दरवाज़े चेक कर लेते हैं। दरवाज़ों की सीलें भी बिल्कुल साफ सुथरी हालत में देखने को मिल रहे हैं और सीटें वगैरह जो हैं ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, कोई कवर वगैरह इंस्टॉल नहीं है। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा फ्रंट वाले दरवाजे की तरफ। अच्छा जी, तो दरवाजे माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, चारों ही दरवाजे आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेंगे। और ट्रांसमिशन में LCD पैनल वगैरह इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर। बाकी डैशबोर्ड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। बाकी इंजन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इंजन की क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या है गाड़ी की, वो भी आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, तो इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से 1.3 का इंजन इंस्टॉल है, 1300 cc, और ये ऑटो ट्रांसमिशन है। XLI है, कन्वर्टेड टू GLI ये गाड़ी, पावर विंडो की हुई इस गाड़ी की। तो बोनट से भी आप लोग सील्स वगैरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बाकी इंजन रूम भी नो डाउट। चाचा कपड़ा उठा लीजिएगा, बंद करता हूँ मैं इसको। बाकी थोड़ा सा ड्राइवर साइड में आप लोगों को विजिट कराया था, उसके बाद फिर जो है इस गाड़ी की प्राइस क्या है वो भी आप भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ। तकरीबन ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर गाड़ी ये चली हुई है, सिर्फ 50,000 किलोमीटर गाड़ी ये चली हुई है। पावर विंडो है जी, पावर मिरर है, और पावर स्टेयरिंग, ऑटो ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की आप? 37,500। 2019 ये 19 का मॉडल है। हाँ, 2019 का। पेपर सब कम? बिल्कुल पेपर, बैंक के नाम पर क्लियर। इसकी नंबर प्लेट आई हुई है? नंबर प्लेट इशू नहीं हुई अभी तक। लेटर वगैरह है? लेटर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। ये 50,000 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली हुई है, AC वगैरह परफेक्ट वर्किंग में? बिल्कुल। चाचा क्या एवरेज उसकी पर लीटर के हिसाब से? ये तो कभी चेक नहीं, चेक नहीं किया, मतलब कि 1300 cc शहर के अंदर तो 12-13 देना चाहिए, हाईवे पे 16-15 इस हिसाब से तो चलता है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं ना इनकी एवरेज क्या होती है, इनकी एवरेज यही होती है भाई 1300 cc आपको शहर के अंदर 12-13 देगी, और अगर हाईवे पे आप निकलेंगे तो 16-15 के आसपास आपको ये दे देगी, 1300 cc की ये एवरेज होती है। चाचा अपना नंबर दे दीजिएगा। 0321 0321 23 23 51 951 951। कहाँ की लोकेशन सर? औरंगी टाउन। नाम आपका सर? उर्दू चौक, हाजी यूनिस। ठीक है, हाजी यूनिस चाचा का नाम है, उर्दू चौक की लोकेशन है, और माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी। और बाकी नंबर भाई का मैं कर दिया स्क्रीन पे, अगर आप भाइयों को और डिटेल चाहिए तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाड़ी माशाल्लाह साफ सुथरी है, 2 पीस इस गाड़ी के टचअप है, मैंने आप भाइयों को दिखा दिए। 3 पीस टचअप है, तीसरा कौन सा चाचा? 2 तो मैंने दिखाया है, बोनट टचअप है फ्रंट से थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, बोनट टचअप है इस गाड़ी का, क्योंकि हाँ ये वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपको थोड़ा सा टचअप मिलेगा। बाकी नीचे से हिस्सा ये टचअप है, और ये वाला हिस्सा ऐसा जो है नीचे से टचअप, ठीक है। बाकी ये 2 हिस्से हैं बोनट का, आगे फ्रंट वाला थोड़ा मतलब कि लाइन है वो भी टचअप है। चलो ये चीज़ें बता दी हैं, फिर भी आप लोग ओनर से पूछ सकते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, सुजुकी एल्टो है VXR, और ये AC वाली है, एक VXR आती है जो नॉन AC वाली होती है, ये AC वाली है VXR। और गाड़ी माशाल्लाह से टोटल आप लोगों को जेन्युइन मिलेगी, 2021 के एंड की है, 2022 का नंबर लगा हुआ इस गाड़ी में। बाकी टायर्स की बात करें तकरीबन कह सकते हैं 80% तक आप भाइयों को गुड मिल सकते हैं टायर, और नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर जो है इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। बाकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल जाएंगी आप भाइयों को। ग्रिल साइड से भी सामने से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल जाएगी आप लोग गाड़ी, ये दोनों लाइट सही है। इसकी विंड स्क्रीन की आप लोग गाड़ी को चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल साफ़ है, कहीं से टूटी हुई क्रैक नहीं है। तो एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया था, तो यार गाड़ी की आप कवर करते हो तो उसके सामने वाला शीशा है जो वो भी कवर कर दिया करें, उसकी डिटेल बता दिया करें कि वो टूटा हुआ एक है, ये चीज़ें बता दिया करें, क्योंकि आजकल जो गाड़ी का नॉर्मल गाड़ी का शीशा भी 6-7 हज़ार से क्रॉस हो गया। तो आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, सिल्वर कलर में गाड़ी मौजूद है, कहीं से स्क्रेचेस नहीं है, कहीं से ये गाड़ी लगी भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। VXR AC वाली गाड़ी है, सुजुकी एल्टो, पाकिस्तानी सुजुकी एल्टो है, 660 cc इंजन में। एक इसी में जैपनीज एल्टो भी आती है। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर से गाड़ी कुछ इस तरह से है जी, सबसे पहले हम थोड़ा दरवाज़ों की सील्स वगैरह चेक कर लेते हैं जी। सील्स बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, और शॉपर वगैरह इंस्टॉल हैं पीछे वाली सीटों पे भी, आगे वाली सीटों पे भी, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में ये गाड़ी। और फ्रंट से भी, और जिनके डोर जो होते हैं ये हैंडल वाले होते हैं जैसे शीशे अप डाउन होते हैं, बाकी जो इसमें VXL का वेरियंट होता है उसमें पावर वाले होते हैं,
और ये देख सकते हैं आप लोग मैनुअल ट्रांसमिशन में, और टैप सिस्टम जो है कंपनी का वही इंस्टॉल है। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ। अच्छा जी, तो इंजन रूम से गाड़ी है कुछ इस तरह से, 660 सीसी इंजन में है। और बाकी जो है मैं आप लोग बता दूं कि सर्विस नहीं की हुई इंजन अंदर से, अगर सर्विस की हुई होती तो ये अभी चमचमाती हुई होती। 660 सीसी इंजन में जम साइड की मुक्की वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी की। फिर भी अगर आप लोग गाड़ी समझ में आती है तो आप लोग अपने मैकेनिक के साथ ज़रूर आइए, गाड़ी चेक कीजिए। तो बढ़ते हैं ऑनर की तरफ। सर कितना चली हुई गाड़ी है? 6-7 हज़ार किलोमीटर चली हुई बस ये गाड़ी। अच्छा, नंबर प्लेट अभी तक तो नहीं आई होंगी? नंबर प्लेट नोट इशू है, नोट इशू है। पेपर वगैरह तो होगा? पेपर पर सर्विस की रसीद आई हुई है, नंबर प्लेट नोट इशू। ठीक है सर जी। कितने ओनर, फर्स्ट ओनर पे अभी ने गाड़ी? फर्स्ट ओनर है। ठीक है, काम तो नहीं सस्पेंशन ऐसे में कहीं? बिल्कुल हो गया, बच्चा अभी लोड चला होगा। अच्छा, एसी वगैरह वर्किंग? एसी एसी सब वर्किंग। इसके एवरेज बता देंगे 660 सीसी क्या एवरेज होगी? पर एवरेज का मुझे इतना अंदाजा नहीं। चलेंगे, बाकी एवरेज अच्छी है पेट्रोल में इसकी। अच्छा, पेट्रोल तो बस 16-17 देती होगी? हाँ तकरीबन 16-17। पेट्रोल तो बिल्कुल इसका ऐसे चला दी जैसे मोटरसाइकिल चला। ठीक है सर, क्या डिमांड करें इस गाड़ी की आप? सर इसके 24.5 हैं। अच्छा, लेकिन 24 में दे देंगे। अच्छा, 50,000 की गुंजाइश है इसमें? हाँ, ठीक है, 24.5 डिमांड करें, 50,000 की मतलब की तो गुंजाइश हो जाएगी, और ये 24 तक की फाइनल गाड़ी हो जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स में सब आप लोग क्लियर मिलेगी, सी पी एल सी क्लियर मिलेगी, टैक्स वगैरह सब क्लियर है। भाई नंबर बता दीजिए अपना। 0321-0321-2351-2351-951-951। क्या नाम है आपका सर? फैजान। कहाँ की लोकेशन है फैजान भाई? सर ये औरंगी टाउन 10 नंबर। औरंगी टाउन 10 नंबर की लोकेशन है। फैजान भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, सिल्वर कलर में है, 2021 का एंड है, 2022 का नंबर लगा हुआ है। गाड़ी आप लोगों को टोटल जेन्युइन मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में हमें मिली है, टोयोटा पासो है, 2012 की, 2007 का मॉडल है ये। मशाल से गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। गाड़ी की मैं ओवरऑल कंडीशन आप भाई को बता दूं, बाहर से गाड़ी आप लोगों को ये टचअप मिलेगी, तकरीबन कह सकते हैं 30% तक गाड़ी ये टचअप होगी तकरीबन, और 70% के आसपास आप लोग गाड़ी को जेन्युइन हालत में कह सकते हैं। बाकी टायर्स की बात करें तो 60% तक टायर्स की कंडीशन भी गुड है, और लायरम लगे हुए हैं, बाकी लाइट्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में मौजूद हैं। तो थोड़ा सा अंदर से जो है अभी मट्टी शट्टी आई हुई है, जब खुलवा के लाइटों को दोबारा आप थोड़ा क्लीनिंग करवाएँगे तो साफ़ सुथरी कंडीशन में हो जाएंगी। और इस लाइट की कंडीशन भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। बाकी फ्रंट से आप लोग शीशे की साइड भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई टूटा हुआ क्रेक नहीं है। बाकी बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। 2007-2012 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में, टोयोटा पासो, वाइट कलर में है गाड़ी, 30% कहीं कहीं से टचअप है, बाकी 70% तक गाड़ी को आप लोग जेन्युइन कह सकते हैं। और जितने भाई जेपनीज़ गाड़ी की रिक्वेस्ट करते हैं, भाई जेपनीज़ गाड़ी मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आप भाइयों को समझ में आती है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। ओनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आप भाइयों को मिल जाएगा। लाइट से भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बैक साइड पे कैमरा वगैरह इंस्टॉल है। टोयोटा पासो और जेपनीज़ गाड़ियों की रिक्वेस्ट तो बहुत आती है हमें, लेकिन यार यहाँ पर मिलती बहुत कम है जेपनीज़ गाड़ियाँ आजकल। जब तक कस्टम का जो चक्कर है वो शुरू हुआ है तब से जेपनीज़ गाड़ियाँ बिल्कुल शार्ट ही हो चुकी हैं भाई। बाकी आप लोग दरवाज़ों की कंडीशन देख सकते हैं, सीलें वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं, और अंदर से सीट्स की जो कंडीशन है वो आप लोग देख सकते हैं, लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है सीटों पे। बढ़ते हैं ड्राइवर साइड पे, और पावर विंडो मिल जाएंगी आप लोगों को भाई इस गाड़ी में, और पावर मिरर है। बाकी एंड्रॉयड पैनल बड़ा इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर, डैशबोर्ड से भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ। रूम खुला है सर? ओके, रूम की कंडीशन मैं आप भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद जो है ओनर के साथ मिलके प्राइस क्या गाड़ी की वो भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से, 1000 सीसी इंजन में, जम सेट क्या वगैरह चेक करते हैं। आ जाओ सर। और ड्राइव बैटरी साइड की इंस्टॉल इस गाड़ी के अंदर, 1000 सीसी इंजन बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, बोनट से सीलें वगैरह आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। अच्छा, पूछते हैं प्राइस क्या गाड़ी की, कितने में गाड़ी फाइनल छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? पहले 1650 कर रहा था, लेकिन 16 में दे रहा हूँ। 16 में आप दे देंगे, 50,000 की गुंजाइश है, मतलब 1650 आप डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की। नंबर प्लेट आ चुकी है सर इस गाड़ी की, जेन्युइन मौजूद है? जी जेन्युइन मौजूद है। सीपीएससी क्लियर है सर? कितने ओनर पे सर गाड़ी है? फर्स्ट ओनर पे। अपने इंजन पे गाड़ी है? नहीं नहीं, अब चेंज है, इंजन चेंज है। बुक पे अपडेट करवाया हुआ है? अपडेट नहीं करवाया। अच्छा, वो रसीद तो होगी जहाँ से परचेस किया होगा? ठीक है, क्या एवरेज देती है पर लीटर के हिसाब से? ये भी 1000 सीसी इंजन है, पहले भी 1000-1300 देती है वैसे, उसमें अभी मैंने ऑयल चेंज नहीं करवाया, इस वजह से 1200-1300 करी हूँ, वरना 1500-1600 देगी। 1500-1600 दे देगी 1000 सीसी इंजन में। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, आपके इस्तेमाल में होता जो।
0331 633 63 63 65 375 379. क्या नाम आपके सर? अहमद. कहाँ की लोकेशन है अहमद भाई? लियाकताबाद. लियाकताबाद की लोकेशन, ठीक है अहमद भाई. तो काम तो नहीं है सस्पेंशन इंजन वाइज, एसी वगैरह कैसे वर्किंग में? अपने ध्यान से देखो तो बहुत कुछ काम है मेरे हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से कोई अभी रेडी टू ड्राइव है आपके हिसाब से गाड़ी है? गाड़ी 30% मतलब कहीं कहीं से 30% है तो 2007 है, 30% तो मिलेगा. मतलब मैं तो लोग तो पूरी पूरी शावर के. हाँ वो तो है, मैं तो फिर भी जेन्युइन गाड़ी, गाड़ी तो अपने हिसाब से जिसकी गाड़ी होती है उस प्राइस भी उस हिसाब से मांग के खड़ा हो जाए. तो फिर तो बस कोई कॉन्टेक्ट करे तो अपने हिसाब से फिर गाइड कर लीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी है सुजुकी एल्टो मॉडल 2012 का है. गाड़ी टोटल आप लोगों को जेन्युइन देखने को मिलेगी. और एल्टो की जगह फिर लोग रिक्वेस्ट है सुजुकी एल्टो ऐड करें या जेन्युइन गाड़ी को ऐड करें तो जेन्युइन गाड़ी है भाई, 2012 का मॉडल है. टायर्स की बात करें तो तकरीबन कह सकते हैं 70-80% गुड हैं और अलॉय रिम लगे हुए हैं इस गाड़ी में. बाकी लाइट्स वगैरह भी आप लोग साथ साथ देख लीजिए, इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं. ग्रिल साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं और दोनों लाइटें हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिलेंगी. सामने से आप लोग जो है फ्रंट शीशा वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं. बाकी बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है ये. और कोई स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे मुझे इस गाड़ी में, बिल्कुल साफ़ सुथरी है. और बॉडी वाइज कहीं से भी आप लोग कोई भी काम नहीं करवाना पड़ेगा इस गाड़ी में, बिल्कुल जेन्युइन 2012 टोटल जेन्युइन कंडीशन में आप लोगों को मिल जाएगी ये गाड़ी. और बैक साइड से लाइट्स वगैरह भी आप लोग गाड़ी के चेक कर सकते हैं. VXR और दरवाज़ों की सीलें मैं आप लोगों को दिखा दूँ. सीलों की बात करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी जेन्युइन हालत में मौजूद हैं चारों ही दरवाज़ों की सीलें. आप भाइयों को एक जैसी मिलेंगी. बाकी अंदर से आप लोग डैशबोर्ड की कंडीशन भी देख सकते हैं, सीटों पे लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल हैं. और नो डाउट माशाल्लाह से अंदर से गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है. बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या है गाड़ी की वो भी आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, इंजन रूम से गाड़ी है कुछ इस तरह से जी. जैसे बाहर से आप लोग गाड़ी देखने को मिलेगी वैसे ही इंजन रूम से आप लोग गाड़ी ये देखने को मिलेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में. कोई एक्सीडेंटल गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं जब आप लोग गाड़ी परचेज़ करने आएँ तो. ड्राइव बैटरी वगैरह इंस्टॉल इस गाड़ी के अंदर. और सीलों से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बोनट की सीलें वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं. 2012 का मॉडल है. मैं थोड़ा सा और दरवाजे भी आप लोगों को थोड़ा व्यू करा देता हूँ इस गाड़ी के. और सेम ही कंडीशन में आप लोगों को चारों ही दरवाजे देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के. बाकी पार्टी लगी हुई है इस गाड़ी पे, देखते हैं अगर सेल ना हुई तो डिटेल वगैरह क्या गाड़ी की हुई वो भी आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे. अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मॉडल है सर? 2012 का मॉडल है. जेन्युइन क्या है गाड़ी सर? जेन्युइन, बिल्कुल पूरी जेन्युइन गाड़ी है. डिमांड क्या कर रहे हैं सर इस गाड़ी? 920. कितना चली हुई गाड़ी है सर? गाड़ी चली डिजिटल मीटर चेक कर लें. अच्छा जो थोड़ा सा माइलेज पता कर लेता हूँ गाड़ी की, मैं कितना गाड़ी ये चली हुई है. 90,000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है. कोई काम तो नहीं है सस्पेंशन इंजन वाइज वगैरह? CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है? नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन मिल जाएगा? अपना नंबर बता दीजिएगा सर. 03-03-48-48-22-68-68-958. क्या नाम है आपके सर? निज़ाम. निज़ाम भाई कहाँ की लोकेशन है? ये अलासिफ स्क्वायर सराबगढ़. अलासिफ स्क्वायर सराबगढ़ की लोकेशन. डिमांड क्या कर रहे थे जी? डिमांड 9 लाख. 920. इसमें कितना गुंजाइश हो जाएगा? कर लेंगे मसला नहीं. मतलब ऑफर चल सकता है, मतलब कि जो ऑफर देगा तो कुछ गुंजाइश हो जाएगा? 9-8-70 फाइनल. 8-70 में आपने फाइनल देनी. 50,000 का गुंजाइश है मतलब इस गाड़ी में, ठीक है. तो गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में माशाल्लाह टोटल जेन्युइन मिलेगी और बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में. 2012 का मॉडल है और इस हिसाब से अब देखा जाए तो गाड़ियाँ महंगी भी हैं तो प्राइस कह नहीं सकते कि ज़्यादा है, बहरहाल सही है, मुनासिब प्राइस है इस गाड़ी की. फिर भी अपने हिसाब से आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ऑनर से बात कर लीजिएगा. जी ये मिनी पिजेरो है और बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी ये मौजूद है. और मिनी पिजेरो की जितने भाई रिक्वेस्ट करते हैं मिनी पिजेरो भाई आ चुकी है और हमने कवर कर ली है अब भाइयों के लिए. और गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी है. गाड़ी की जो कंडीशन है सिर्फ 2 पीस वो हल्के से डैमेज हैं, मतलब कि टचअप नहीं है, शावर नहीं है, डैमेज है. मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कौन से 2 पीस हैं इस गाड़ी के. बाकी टायर्स की बात करें तो नॉर्मल स्टेपनी लगी हुई है इस गाड़ी में, तकरीबन कह सकते हैं 60 के अराउंड टायर भी कंडीशन के गुड हैं. बाकी जो फ्रंट वाली स्क्रीन है वो भी बिल्कुल साफ़ है इस गाड़ी की. बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है. तो लाइट्स की बात करें थोड़ी बहुत फेड हैं लेकिन सही हैं, टूटी हुई क्रेक नहीं है इस गाड़ी की लाइट्स. तो साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से.
कहीं से बॉडी वाइज आप लोगों को वर्क रिक्वायर्ड नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में खड़ी हुई, हल्का फुल्का कलम कह सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से करवाना चाहें तो। मिस्टर विशी की मिनी पेजरो 660 cc इंजन वाली ऑटो ट्रांसमिशन में, अपने इंजन में ये गाड़ी है। बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से, बैक साइड की लाइट्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत डैमेज है लाइट, लेकिन ये वाली लाइट भी आप लोग चेक कर लें, यहाँ से भी थोड़ी बहुत आप लोगों को डैमेज मिलेगी। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर की मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखाने वाला हूँ, ये जेन्युइन हालत में मौजूद है। बाकी यहाँ से दरवाज़ों की जो सील्स वगैरह कह सकते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं दोनों दरवाज़ों की सील आप लोगों को सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेगी। पावर विंडो है जी, पावर मिरर का ऑप्शन है ऑटो ट्रांसमिशन में। 660 cc इंजन सिस्टम वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी में। बाकी सीटें वगैरह लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है। इंटीरियर नो डाउट इस गाड़ी का बड़ी बेहतरीन हालत में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन, उसके बाद फिर ऑनर के साथ मिलकर प्राइस वगैरह क्या गाड़ी की वो भी शेयर कर देंगे। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, देखते हैं रूम की क्या कंडीशन है। अच्छा जी, तो रूम से माशाल्लाह से गाड़ी बड़ी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। नो डाउट गाड़ी का इंजन रूम है साफ़ सुथरा, और अभी तक कह सकते हैं यार सर्विस वगैरह नहीं करवा के आया भाई। अगर सर्विस करवा के आते तो गाड़ी माशाल्लाह इंजन रूम भी बिल्कुल साफ सुथरी नज़र आता आप लोगों को। बाकी इसके इंजन जो है 660 cc अपना जेन्युइन इंजन है इसका। ठीक है चाचा, बंद कर दीजिए। अच्छा, कौन से दो पीस हैं चाचा जो आप कह रहे थे इसके? एक ये है, एक ये डैमेज है। ठीक है, तो एक और है पीस, वो भी डैमेज है। तो ये पीस है, ये भी डैमेज है। ठीक है, ये अभी तक जो सिर्फ पोटीन वगैरह लगाई हुई है, रंग वगैरह नहीं किया हुआ इस गाड़ी में। चाचा क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की आप? इसका हम 12.5 लाख रुपये डिमांड करते हैं। अच्छा, टैक्स वगैरह क्लियर है इस गाड़ी का? टैक्स वगैरह क्लियर है, कराची पोर्ट का लेलाम का है ना। अच्छा, मॉडल कौन सा है? मॉडल 2002 है, रजिस्टर 2014 का। 2014 का रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, 2002 का मॉडल है, कराची पोर्ट क्लियर है गाड़ी। डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है इसके, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है। ठीक है, नंबर बता दीजिएगा अपना। नंबर 0315-71-11311। क्या नाम है आपका? मुश्तरीन। कहाँ की लोकेशन है सर? हम औरंगी टाउन 4 नंबर। औरंगी टाउन 4 नंबर की लोकेशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये गाड़ी है 2002-2014 की, रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है। 2014 में जो है पोर्ट क्लियर हुआ है कराची से इस गाड़ी का। गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में है। अगर आप भाइयों को समझ में आती है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा भाई से, और रब्ता करके परचेज़ भी कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अभी टाइम हो रहा है 5:24, तो अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पर। आज थोड़ा सा रश कम है क्योंकि बारिश का इम्कान था, तो दूर दूर से लोग नहीं आए यहाँ पे। अगर बारिश वगैरह का इम्कान नहीं होता तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और यहाँ पे इतना रश हो जाता है ना कि घूमना मुश्किल हो जाता है। तो जी, आज की वीडियो थी यहीं तक, और अभी बारिश भी होने वाली है, तो जैसे तैसे करके वीडियो तो हम लोगों ने कम्प्लीट कर दी। तो आप भाई से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है यार, वीडियो अगर पसंद आए तो यार लाइक कर दिया करें, लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते रहते हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को देखते वक्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिए, कि ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस गाड़ी का रिव्यू भी करें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। तब तक अपनी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।